हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाला हूं बिग कैट संरक्षण मुहिम को दुनिया भर में रफ्तार देगा भारत, देश में IBCA मुख्यालय खोलने को मिली मंजूरी। इसी के साथ आपको डिटेल में इस बारे में बता दें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय भी भारत में होगा। इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। साफ है कि दुनिया भर में बिग कैट, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता के संरक्षण की मुहिम की अगुवाई अब भारत करेगा। इसी के साथ आपको डिटेल में बताते चलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय भी भारत में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। इसी के साथ आपको बताते चलते हैं, अगले 5 सालों के लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने मुख्यालय के संचालन के लिए अगले 5 सालों के लिए यानी वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक के लिए 150 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। इसी के साथ बिग कैट के संरक्षण के लिए बनाए गए इस इंटरनेशनल अलायंस में दुनिया भर के उन सभी 96 देशों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जहां बिग कैट की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में बिग कैट की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन सी हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। बिग कैट की बात करें तो भारत में प्यूमा और जगुआर को छोड़कर अन्य 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से चीता ही देश से विलुप्त हो गया था, लेकिन पीएम मोदी के प्रयासों से 2022 में इन्हें देश में 73 सालों के बाद फिर से बसाया गया। बता दें कि पीएम मोदी ने 2019 में वैश्विक बाघ दिवस के मौके पर वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए दुनिया भर के नेताओं से एक अलायंस बनाने का आह्वान किया था। बाद में 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने इस अलायंस को शुरू करने का ऐलान किया था। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप सबने हमारी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।